काफ़ी गमगीन है, और इस बारे में जब उसको मालूम पड़ा कि सुषमा जी अब नहीं रही, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी माँ का जो साया था उसके ऊपर, जो माँ का साया एकदम उड़ गया है, और अब वो बता नहीं पा रही कि अब मेरी पूछ परख कौन करेगा। चूँकि ये मुखबद्र संगठन में, चूँकि मुखबद्र संगठन में अभी हैं, तो राजकुमार सर और उषा मैडम इसका काफ़ी ध्यान रखते हैं, हर चीज़ की समस्या उसका निराकरण करते हैं। सुषमा जी भी उससे फ़ोन पे चर्चा करती रहती थी समय समय पर, अब ऐसा लग रहा है कि अब समस्या है तो उसका निराकरण कौन करेगा। इसके बारे में उससे चर्चा करी तो उसने बताया कि अब मैं कैसे क्या बताऊँ, मुझे कोई इस बारे में नहीं। पूर्व में थावरचंद जी गहलोत जी ने इसने मांग की थी कि मुझे लैपटॉप दिया जाए, मैं इंग्लिश वर्ड ये सीखना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी के अलग अलग चीज़ सीखना चाहती हूँ, तो उस समय थावरचंद जी ने इसको लैपटॉप दिया था, गिफ्ट किया था, और अभी वर्तमान में उसका यूज़ भी कर रही है ये, और वो भी लेते रहते इससे समाचार।